हेलो माय स्टूडियस फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 हॉर्नबिल की फर्स्ट पोयम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन विद द पोयम अ फोटोग्राफ। इट इज रिटन बाय शर्लेट टॉल्सन। दिस पोयम इज गिवन इन योर बुक हॉर्नबिल। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, मीन्स यह पोइटेस की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में है। इस पोयम में फोर मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर शर्लेट टॉल्सन हरसेल्फ, शर्ली के अपने बारे में है। सेकंड, मदर ऑफ शर्ली। थर्ड डॉली एंड फोर्थ बेटी आर द कजिन्स ऑफ शर्लीज मदर। ओके, लेट्स सी पोयम कॉन्टेंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स को रेड कलर से मेंशन किया हुआ है, जिससे कि जब आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको उससे समझने में आसानी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोयम के कंटेंट से। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफ। अर्ली टाइम्स में जब फोटोग्राफ्स लैमिनेटेड नहीं होते थे तो उन फोटोग्राफ्स को हम क्या करते थे, एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट करके उसे बाइंड करा के तब अपनी वॉल्स पर हैंग करते थे। इन द सेम वे यहां वो ओल्ड फोटोग्राफ इज इंडिकेटिंग द मेमोरीज, मीन्स प्रीवियस टाइम, द मेमोरीज ऑफ शर्ली टॉल्सन। जैसे ही शर्ली अपनी वॉल पर वो फोटो हैंग हुए देखती हैं तो उन्हें याद आती है कि कैसे मदर अपनी दो गर्ल कजन्स के साथ स्विमिंग के लिए, या आप कह सकते हैं बीच पर घूमने गई थी। हेयर इन द नेक्स्ट लाइन, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मींस वॉकिंग इन वाटर। तो यहां पर वो फोटोग्राफ जो है वो बीच की फोटोग्राफ है, तो उनको देखकर शर्ली को याद आता है कि कैसी मेरी मदर दो गर्ल कजन्स के साथ स्विमिंग के लिए बीच पर गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों कजन्स ने मेरी मदर के हैंड्स को पकड़ रखा था दोनों तरफ से। एंड शी द बिग गर्ल, शी मतलब मदर, मदर जो है उन तीनों में सबसे बड़ी थी। एंड कितनी बड़ी थी, मींस व्हाट वाज द एज, सम 12 इयर्स और सो, ओनली शी वाज ऑफ 12 इयर्स। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। इन दोनों लाइन्स में हम सेकेंड लाइन को पहले लेंगे। एट द अंकल विद द कैमरा मीन्स अंकल जो है वो वेट कर रहे थे तीनों गर्ल्स के पोज का कैमरा लेकर, ताकि वो उनकी फोटो क्लिक कर सकें। अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, बिकॉज मदर वॉज ओनली 12 एट दैट टाइम। और 12 ईयर्स में हमारी स्किन का ग्लो ज्यादा होता है, ऑब्वियसली जब शादी हो जाती है, फिर बेबीज होते हैं, तो उससे ज्यादा ग्लोइंग स्किन हमारी चाइल्डहुड में होती है। व्हेन द मदर वाज 12, तो शी वाज लुकिंग स्वीट एट दैट टाइम। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहां इन दो लाइंस में पोयम की थीम डिस्कस की हुई है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सी, रिवर, ब्रुक, रॉक्स, माउंटेन्स, तो ये सारी चीजें चेंज होने में बहुत लंबा वक्त लेती हैं, रिप्लेनिश होने में बहुत लंबा वक्त लेती हैं, लेकिन जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, दैट इज क्वाइट शॉर्ट इन कंपैरिजन टू द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर ये थीम डिस्कस की गई है कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि मेरी मदर के, उनकी कजन्स के जो छोटे छोटे फीट थे जो वेव से वॉश हो गए थे, इन द सेम वे टाइम के साथ मेरी मदर की डेथ हो गई है। माई मदर इज ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। हेयर ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड और इजिली चेंजेबल, यू कैन से। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, सम 20-30 ईयर्स लेटर, मीन्स उस फोटोग्राफ के 20-30 ईयर्स लेटर अप्रोक्सीमेटली, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली। द सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट द मदर्स फीलिंग, कि मदर जब इस फोटोग्राफ को, उस फोटोग्राफ के क्लिक होने के 20-30 साल बाद देखती थी, तो
उसको देखकर वो कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उनको देखो और हम मुझे भी देखो, हम तीनों की जो ड्रेसेस हैं वो स्पेसिफिक हैं, मतलब बचपन में जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं या स्विमिंग की जो ड्रेस पहनी है वो थोड़ी अलग, जो वो बड़े होकर एंजॉय नहीं कर पा रही थी या बड़े होकर नहीं पहन पा रही थी, थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं छोटे बच्चों के कपड़े, इन द सेम वे कि हमें बीच के लिए कैसे ड्रेस्ड अप किया था हमारे पेरेंट्स ने, एंड द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. अब दिस लाइन इज स्पोकन बाय शर्ली. शर्ली वॉज सेइंग सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, मेरी माँ का जो पास्ट था वो सी हॉलीडे था, वो बीच पर जाना मेरी माँ का पास्ट था. माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए पास्ट क्या है, उनकी वो हंसी, जो हंसी उस फोटोग्राफ को देखकर उन्हें आती थी या जो खुशी उनको इस फोटोग्राफ को देखकर मिलती थी. बोथ वराय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लोस, बोथ वराय, वराय इज बेसिकली फॉर आयरोनिकल और सेटरिकल, सेटायर है ये हम दोनों के लिए इस वक्त. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लोस, कि मेरी माँ ने बहुत लेबर किया उस अच्छे टाइम को भूलने के लिए और मैं भी लेबर कर रही हूं अपनी माँ के लोस को भूलने के लिए, क्योंकि अच्छा टाइम या चाइल्डहुड आपका एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आता. तो इन द सेम वे द मदर वॉज लेबर्ड जस्ट टू फॉरगेट दैट चाइल्डहुड टाइम, एंड आई वॉज लेबर्ड टू फॉरगेट माई मदर. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज मीन्स, अब अगले पैराग्राफ अगले स्टैंजा में वो बता रही हैं कि मेरी मदर की डेथ हुए हुए उतने साल हो गए हैं जितने साल की वो फोटोग्राफ में थी, मतलब टोटल 12 साल हो गए हैं उनकी डेथ हुए. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टेंस में, इस सिचुएशन में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास शब्द नहीं है वो दुख एक्सप्रेस करने के लिए, जो वो वॉइड, वो खाली स्पेस मेरी लाइफ में जो क्रिएट हो गया है मेरी डेथ की, मेरी मदर की डेथ की वजह से. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस वर्ड इज फॉर मदर्स डेथ, कि मेरी मदर का साइलेंस, मेरी मदर की चुप्पी, मेरी मदर की डेथ ने मुझे साइलेंट कर दिया है, या मेरे पास शब्द ही नहीं है उस चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, उस दुख को, उस ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए. तो दिस वॉज अबाउट द पोयम. एंड इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन दिस पोयम. तो हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई भी टू थ्री वर्ड्स का पहला लेटर सेम होता है या सेम साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे हमारी इस पोयम में स्टूड स्टिल, इन बोथ द वर्ड्स एस एस इज द फर्स्ट लेटर. नेक्स्ट वन इज थ्रू देयर, टी टी, इन बोथ द वर्ड्स टी टी इज फर्स्ट लेटर. नेक्स्ट इज माय मदर्स, एम एम. नेक्स्ट टेरिबली ट्रांजिएंट, टी फॉर टेरिबली एंड टी फॉर ट्रांजिएंट. साइलेंस साइलेंसेस, अगेन एस एस इज द फर्स्ट लेटर इन बोथ द वर्ड्स. तो वी कैन से यहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज किया है पोइटेस ने इस पोएम की ब्यूटी बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन मीन्स अपोजिट, जहां पर दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ दिए हो, जिनका मीनिंग एकदम अपोजिट हो और वो पोयम में एक साथ दिए हो, तो वो हमारा ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस होता है. जैसे यहां पर इस पोयम में दिया है लेबर्ड ईज. लेबर्ड होता है कि आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज को, एंड ईज इजी टू डू. तो हियर बोथ द वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ऑक्सीमोरोन. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि जब कोई एडजेक्टिव अपने सही नाउन के साथ ना लग के किसी ऐसे नाउन के साथ लगता है या किसी नॉन लिविंग के साथ लगता है
तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, मतलब एडजेक्टिव को अपने सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी ऑकवर्ड या किसी अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली इज बेसिकली रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग, एंड फीलिंग और इमोशन किस में होते हैं? ह्यूमन बीइंग में या लिविंग बीइंग में। एंड ट्रांजिएंट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, ना कि एक पर्सन की, हम स्पैन की बात कर रहे हैं। तो टेरिबली इज रॉन्गली प्लेस्ड हियर, ये मतलब ट्रांजिएंट के लिए टेरिबल एडजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसको यहां पर हम ट्रांसफर्ड एपिथेट लेंगे। ये यहां पर हमारा लिटरेरी डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पोयम, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।